ओके तो एक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया था लास्ट वीडियो के अंदर, है ना, इन सारे पॉइंट्स के बारे में। अभी देख लेते हैं, हम शुरू करते हैं एपी स्टेट मशीन से, है ना। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज थी शायद जो हमने मिस कर दी होंगी। मैंने बोला था कि एवरीथिंग इज लाइक ऑटोमेटिक, है ना, वंस यू बूट अप योर एपी इट विल ट्राई टू कनेक्ट विद द WLC। तो मैंने डिस्कवर करेगा, फिर कनेक्ट होगा, फिर आपका उसे मेंटेन करके रखेगा आपकी, यू नो, कनेक्टिविटी को। पर ये देखिए, यहाँ पे यू हैव टू कॉन्फिगर द स्विच पोर्ट वेयर द एपी कनेक्ट्स विद द करेक्ट वीलैन, है ना। तो हम क्या करते हैं कि मान लो ये स्विच है जहां पे मैंने अपने एक्सेस पॉइंट्स 1 2 4 जितने भी है ना वो जोड़ने हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आप जिस फ्लोर पे या जिस बिल्डिंग में या जिस भी रूम में, है ना, हॉल है, ऑडिटोरियम है, आप ओपन खुले में है, कहीं पे भी एक्सेस पॉइंट लगा है तो कितने एक्सेस पॉइंट आपको उस पर्टिकुलर क्लोज प्रोक्सिमिटी में लगाने हैं। मान लो अपने 5 लगाने हैं, तो आपको अपने 5 जो एक्सेस पोर्ट के स्विचेज हैं वो कन्फिगर करने हैं किसके लिए, आपकी एक्सेस पॉइंट की वीलैन के लिए। तो मान लो जब आप वीलैन प्लानिंग के फेज में थे ना, तो वीलैन एंड आईपी सबनेट के प्लान फेज में, तो अच्छा ये अगर आपको आइडिया नहीं है तो मेरा जो CCNP मास्टरी कोर्स है उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें आप बिल्कुल स्क्रैच से क्या करते हैं कि किस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट, मान लो किसी कंपनी की या किसी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें नेटवर्क बनवाना है, वायर्ड, वायरलेस, इंटरनेट, वाईफाई, है ना, सब कुछ, तो कैसे वो नीड समझनी है, कैसे फिर आपको यू नो यूजिंग सेवरल मीटिंग्स विद द कस्टमर्स एंड यू नो द क्लाइंट, तो आप एक कॉमन ग्राउंड पे आते हो कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो सारा, फिर वो सब कुछ वेरीफाई होता है, फाइनली यू स्टार्ट वर्किंग फॉर द यू नो क्वोटेशन ऑफ डिवाइसेस, कितने तरह के स्विचेस, कितने स्विचेस, कितने फायरवॉल, हार्डवेयर, यू नो वो सब आप खरीदने के लिए है, तो आप खुद खरीदें या फिर ज्यादातर अगर आप इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते तो आप बोलो कंपनी को, वो खुद खरीदे और आप सिर्फ उसको कॉन्फिगर करने का काम करो। फिर कैसे डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग बनाने हैं आपको, आईपी का अलग से, सबनेट प्लानिंग का अलग से, आपके इंटरफेसेस का अलग से, फिर जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उसका, तो बहुत सारी चीजें होती है एक नेटवर्क वो करते हुए, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर है, फिर उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है। तो यार एक प्रोजेक्ट अगर आप देख लेते हैं, कर लेते हैं अपने आप से, तो रियल नेटवर्क पे काम करने का कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ उसको, रेकमेंड करता हूँ कि ऐसी प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने की कोशिश जरूर करिए। तो मुझे नहीं पता बाकियों का, यार मेरा तो बहुत थोड़े टाइम के लिए मैंने यू नो काम किया था ऐसा लोकेशन, ऐसी इंफ्रा में, और मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला था यार। तो अगर आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक जगह बंधे रहने से, थोड़ा सा काम करने से अच्छा है कि आप एक ऐसी जगह काम करो जहां पे आपको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हो, बर्डन रहेगा, लगी रहेगी, मतलब आप टेंशन में रहोगे, और प्लान जो किया होगा आउटिंग या वीकेंड शादी वो ना करनी पड़े, साल 6 महीने 2 4 साल अगर ऐसा कर लोगे ना, तो भाई यू विल बी लाइक द चैंप ऑफ द नेटवर्क। तब आपको एक्चुअली 4 5 साल के बाद यू विल बी समवेयर एंड यू विल लुक फॉरवर्ड टू यू नो बेटर देन दैट। तो तब एक अलग ही मजा होता है, तभी असली यू नो जिंदगी शुरू होती है इस प्राइवेट लाइन की, यू नो कॉर्पोरेट लाइन की, कंफर्ट जोन से बाहर, अदरवाइज आप फंसे। अच्छा बात कहाँ थी हमारी, कहाँ थी, हाँ, तो आप जब वीलैन एंड आईपी सबनेट के प्लान के फेज में थे, तो आपने डिसाइड कर लिया कि जो एक्सेस पॉइंट के लिए मेरे नेटवर्क इंफ्रा में मैं वीलैन यूज करना चाह रहा हूँ, लेट्स से दैट इज 50, ठीक है, और इसके लिए फिर मैं जो नेटवर्क यूज करना चाह रहा हूँ 10.50.0.0/16, तो ये सब आपने प्लान किया उसके हिसाब से। अब आप देखोगे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के इस पर्टिकुलर फ्लोर पे मेरे को इतने नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट चाहिए, मान लो आपको 5 चाहिए जैसे मैंने पहले बोला, तो आपने अपने FA 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 स्विच पोर्ट्स को क्या कर दिया, कॉन्फिगर फॉर वीलैन 50, इनको आपने किस में डाल दिया, 50 में। तो अब जब भी आप इसके साथ कोई एक्सेस पॉइंट लगाओगे, मान लो एक एक्सेस पॉइंट आपने यहाँ लगाया है, ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल 100 मीटर तक जा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह लगे ना, अलग अलग, तो आपने एक दूसरा पॉइंट यहाँ लगा दिया एक्सेस पॉइंट, एक आपने मतलब अलग अलग आपने एक जो पर्टिकुलर एरिया था 100 200 मीटर का आपने कवर कर लिया है आपके 5 एक्सेस पॉइंट से, ठीक, कवरेज मिलनी स्टार्ट होगी। ये कह रहा है कि आपको करना है खुद से, तो सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होगा, वीलैन लेयर टू वाला काम आपको करना पड़ेगा, ठीक। और अगर ये पावर ओवर इथरनेट से आप काम करो, मतलब कि एक्सेस पॉइंट को आप अलग से पावर नहीं दे रहे, पावर अडेप्टर लगा के आप चाहते हो कि आपका स्विच ही पावर दे, तो उसके लिए पीओई होना चाहिए, उसकी जो पावर सेटिंग है वैसे तो डिफॉल्ट होती है, पर अगर आप डिपेंडिंग अपॉन कि यार हाँ इनको कुछ स्पेशल नीड्स हैं, तो आप पर इंटरफेस अपनी पावर की वो चेंज कर सकते हो कि यार कितनी पावर एक इंटरफेस पे एपी की तरफ निकले स्विच से, तो वो सारी चीजें आपको आई गेस ये क्लियर हो गया। उसके बाद तो फिर ये मैंने बता दिया था आपको लास्ट वीडियो में, पढ़ लीजिएगा नोट्स।
अच्छा जी, उसके बाद आगे, हाँ ये अपने कुछ क्या है, स्टेट्स हैं, स्टेट मशीन की, जैसे जो आपकी कैप वेप स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि एपी जब भी डब्ल्यूएलसी के बेस पे आप बात करते हो तो ये कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे से, आपकी कैप वेप की टनल के थ्रू। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको बूट किया, बूट्सअप, ठीक है, और जब ये एक फंक्शनल जो फुल्ली ऑपरेशनल स्टेट में आएगा, उसके बीच में इसको ये कुछ स्टेट से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, और ये क्यों जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर नेटवर्क में, वायरलेस नेटवर्क में जो होना चाहिए वो ना हो रहा हो, तो इनकी जो आपको जानकारी है वो ट्रबल शूटिंग के प्रोसेस को बहुत इजी बना देती है, इसलिए, है ना। चलिए, तो पहले बूट करेगा, डिस्कवर करेगा, फिर टनल बनेगी जिसके थ्रू फिर वो ज्वाइन करेगा, सारे आपके जो मैनेजमेंट के इनक्रिप्टेड मैसेजेस जाएंगे उसमें, फिर डाउनलोड करेगा अपनी इमेज, मैंने बताया था, फिर कॉन्फ़िगरेशन, मैंने क्या कहा था, इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं करनी, सारी कौन देगा इसको, WLC, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपने डाउनलोड कर लेगा, फिर ये किस में आ जाएगा अल्टीमेटली, आपका रन स्टेट में, अगर सब कुछ सही है, फिर मैनुअली या बाय सम एक्सीडेंट इफ इट इज रिसेटिंग इटसेल्फ, तो ये दोबारा से फिर ये अपनी सारी इन स्टेट्स को कवर करेगा। रिसेट मतलब जब आपने रिस्टार्ट कर दिया है, रीलोड। चलिए, तो बूट करता है, डिस्कवर करता है, कैप वेप टनल बनती है, ज्वाइन रिक्वेस्ट का मैसेज भेजेगा, एंड अच्छा यहाँ पे ना आप देखोगे अगर, तो इसमें क्या लिखा है, दीज स्टेप्स विल बी एक्सप्लेन लेटर इन द चैप्टर, कि डिस्कवरी, अभी हमने स्टेट देख लिया कि भाई एक स्टेट कौन सी है बूट होती है, WLC, तो मैंने यहाँ पे मान लिया, माना मूलधन 100 रुपए, कि भाई WLC डिस्कवर कर लिया, क्योंकि इसको मैंने एक्सप्लेन किया सेपरेटली, तो ये जब 7-8 स्टेट होंगे ना, ये जब हम थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ चुके होंगे बेसिक आइडिया, तब मैं सेपरेटली बताऊंगा कि हाँ WLC के डिस्कवरी का क्या प्रोसेस है, तो इसलिए मैंने ज्यादा एक्सप्लेन इसको स्टेप 2 को आप देखोगे नहीं किया, डायरेक्ट मैं स्टेप 3 पे आ गया हूँ। ऐसा ही मैंने WLC ज्वाइन वाले में लिखा है, ठीक, सेपरेटली, क्योंकि अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ थ्योरी, तो मैं यहाँ पे यू नो हॉचपॉच नहीं करना चाहता सब कुछ, तो यहाँ पे बस क्लियरली प्रिसाइजली हम सारे स्टेप्स को एक एक करके देख रहे हैं। तो इमेज डाउनलोड करेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड करेगा, जो भी आपने प्रोफाइल्स वगैरह बनाई होंगी, तो मैं ट्राई करूंगा यार कि अब की बार CCNA की तरह ना रहे, लैब करवा पाऊँ आपको WLAN और यू नो WLC के बेसिस पे, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताऊंगा फिर आपको, सिर्फ थ्योरी नहीं रखेंगे, है ना, तो चाहे टाइम लग जाए थोड़ा सा, बट माई कोशिश विल बी कि मैं करवा पाऊँ इसको, रन स्टेट में आ जाएगा, रीसेट फिर वही है, दोबारा से सारी स्टेट मशीन शुरू होगी। ओके, फिर कह रहा है बूटिंग एंड वर्जन मैचिंग, ये मैंने बता दिया आपको, आप देख लेना, इसमें कुछ बताने वाला ऐसा बचा नहीं है, तो केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्जन मिसमैच होता है तो ठीक है, और ओके डिस्कवर करना, ये भी हमने डिस्कवर बता दिया है, या तो आपने पहले से कॉन्फिगर कर रखा हो, या फिर DHCP के थ्रू पता चले, या फिर आप ब्रॉडकास्ट करो। ओके, लोकल सबनेट ब्रॉडकास्ट है। अच्छा, अगर आपने अपनी CCNA वाली IP सर्विसेज की वीडियो देखी है, उसमें मैंने DHCP के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, DHCP रिले। तो रिले क्या करता है कि जब आपको जो अपने DHCP के पैरामीटर मिल रहे हैं वो सेम नेटवर्क से नहीं मिल रहे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर राउटर एंड दिस इज योर स्विच एंड हियर आर योर क्लाइंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ क्लाइंट है जिनको DHCP से ऑटोमेटिक IP चाहिए, और अब आप क्या कर रहे हो कि यार आपका जो सर्वर है, DHCP का सर्वर है मान लो, या तो आप जो यू नो विंडोज सर्वर वो सब यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, सर्वर 2016 2019, और वो आपको सर्विस दे रहा है DHCP की IP, तब भी ठीक है, या फिर आपने अपने राउटर को कॉन्फिगर किया है कि भाई ये DHCP सर्वर का काम करेगा और क्लाइंट को IP देगा, ठीक है, उस टाइम पे राउटर के इस इंटरफेस में जो आप IP डालोगे, मान लो 10.0.0.1/16, तो राउटर पे आप क्या कॉन्फिगर कर देते हो, ये नेटवर्क, फिर इसका सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड आप DNS वगैरह, उसके हिसाब से ये क्लाइंट सारी IP यहाँ से सारे पैरामीटर उठा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो लोकल सबनेट में है, DHCP चलता है डोरा पे, अगेन आई एम सेइंग, एंड पहला मैसेज है डिस्कवर मतलब ब्रॉडकास्ट, तो यहां तक तो राउटर ब्रॉडकास्ट रिसीव एंड प्रोसेस कर सकता है, पर मान लो आपका जो अब क्या बोलते हैं DHCP सर्वर है वो R1 ना होके R2 है, या फिर इधर आपने फिजिकल अपना दूसरा सर्वर लगा रखा है DHCP सर्वर, जो एक्चुअल सर्वर विंडोज सर्वर वगैरह है, अब क्या होगा, अब आपका जो राउटर आपकी रिक्वेस्ट है, मान लो क्लाइंट ने डिस्कवर का मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, इसके पास गया, इस इंटरफेस पे रिसीव हुआ, राउटर ब्रॉडकास्ट तो आगे भेज नहीं सकता इस इंटरफेस पे, तो ये तो भेजेगा नहीं, तो राउटर का प्रोसेस क्या होता है,
रिसीव द पैकेट, तो चेक द टीटीएल चेकसम, देन इट विल चेक द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन ब्रॉडकास्ट है, तो ये तो आगे प्रोसेस करके आउटबाउंड में इसको ट्रैफिक को भेजेगा ही नहीं, नहीं तो ड्रॉप। उस टाइम पे आप इस इंटरफेस पे एक कमांड आती है आईपी हेल्पर एड्रेस, और वो राउटर जो आपकी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, तो अभी मान लो मैंने आर टू को एज ए डीएचसीपी सर्वर बना रखा है, तो इस इंटरफेस पे जो आईपी है मान लो 20.2, ये आप यहाँ पे कन्फिगर करोगे, ये फंडा होता है जी हेल्पर एड्रेस का। तो इसी तरह से अगर आपका जो डब्ल्यूएलसी कहीं दूर रखा है आपके सबनेट से अलावा, जो कि केस होता ही है एक्चुअल नेटवर्क में यही मिलेगा, तो आपको आईपी हेल्पर एड्रेस की कमांड का भी यूज करना पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई गेस ये वाला। तो उसकी कमांड क्या होती है आईपी फॉरवर्ड प्रोटोकॉल यूडीपी, और 5246 मैंने बता रखा आपको, क्यों, क्योंकि एपीआर डब्ल्यूएस के बीच में जो कैप टनल बनती है वो यूडीपी के इसी पोर्ट नंबर में बनती है। तो यहाँ पे हम इंटरफेस को एज सच यूज नहीं कर रहे, तो जो मैंने प्रोजेक्ट वाला बताया था ना आपको, तो उसमें मैंने रियल टाइम में जो नेटवर्किंग होती है तो वहां पे हम सारे राउटर यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं L3 स्विचेस को एज राउटर्स यूज करते हैं, वहां पे हम फिर VLAN इंटरफेसेज को राउटेड यू नो इंटरफेसेज के लिए यूज करते हैं राउटिंग की ट्रैफिक के लिए। तो इसीलिए जो आपने क्या बोलते हैं VLAN बना रखी होगी अपनी मैनेजमेंट वाली, उसके अंदर ये कमांड चलाएंगे। तो अगेन जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई, सारी चीजें तो आप यू नो थ्योरी से समझ नहीं सकते, तो रियल में एक्चुअल में वायरलेस इंफ्रा पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीजें एक्चुअल में आपको समझ आएंगी, सेंस बनेगी। बट यस, कॉन्सेप्ट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, जितने मेरे क्लियर हैं उतना आप तक जरूर पहुंचा पाऊँ, तो आई होप वो हेल्प करता है आपको। मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो इट रियली रियली फील गुड है ना, तो अच्छा लगता है। चलिए जी, फिर स्टेप टू आ गया, प्री कॉन्फ़िगरेशन कर दो, इसमें कुछ ऐसा नहीं बचा है बताने वाला। डीएचसीपी ऑप्शंस का अगर आपने, मुझे लगता नहीं है मैंने कभी पहले बताया है, एक होता है कि टीएफटीपी सर्वर से जब आपको कुछ भी उठाना होता है, मान लो मैं क्या एग्जांपल लूं कि आपके जैसे क्या होता है ना, विंडो है, आप यू नो वर्क स्टेशन है कंपनीज के अंदर, और आप चाहते हो कि इस पीसी पे, इस वर्क स्टेशन पे जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ नहीं पड़ा, वो कहाँ पड़ा है, मेरे नेटवर्क पे। तो जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ये अपने लोकल में ढूंढने की कोशिश करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, फिर ये नेटवर्क पे ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक, वहां से फिर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, तब ये रन, तो ये सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। इसी तरह से मान लो जैसे ये आपका स्विच है और आपको आईपी फोन चलाने हैं और उसके थ्रू आगे फिर डिवाइसेस पे इंटरनेट चलाना है, तो ये आपने आईपी फोन लगाया और यहाँ पे आपने डिवाइस लगा के, तो ये आपका पीसी या लैपटॉप होगा, तो आप स्विच का एक ही पोर्ट यूज, ये मैंने आपको बताया होगा सीसीएनए में वीलैन के पार्ट में वॉइस वीलैन का, तो ये ऐसा चलता है। अच्छा, अब इस फोन पे या तो आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दो खुद, जो कि जनरली बड़े स्केल नेटवर्क में ऐसा नहीं मिलता, तो ये ऑटोमेटिक आपकी उठाते हैं कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी सर्वर से, पर डीएचसीपी सर्वर तो क्या करता है, आपको आईपी दे देगा, इसको सबनेट मास्क दे देगा, गेटवे दे देगा, बस। पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसका नंबर क्या हो, है ना, इस पे डायल टोन कौन सी बजे, वेटिंग के लिए कौन सा वो रहे, आप कॉल क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग होल्ड के लिए क्या, मतलब बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो फोन के अंदर, अगर आपने कभी यूज किया हो, वो कहाँ से उठाएगा, वो पड़ी है टीएफटीपी सर्वर पे। अब डीएचसीपी में तो एज सच टीएफटीपी की आईपी कॉन्फ़िगर करने का कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो जी क्या होता है कि उसमें चलते हैं फिर ऑप्शन, तो DHCP के अंदर एक ऑप्शन 150 कॉन्फ़िगर कर दोगे आप, ये सारा मैं वैसे करवाऊंगा DHCP की जो हमारी आई गेस वीडियो रहेगी आईपी सर्विसेज ऑफ CCNP, वहां पे मैं सब प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, पर हाँ अभी फिलहाल बता दे रहा हूँ कि उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस चलते हैं। तो एक ऑप्शन होता है TFTP के बारे में बताने के लिए फोन को, ताकि वहां से अपनी कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर पाए। ऐसे ही APs को WLC के बारे में बताने के लिए भी एक आई गेस 43 हाँ लिखा है, ऑप्शन 43 होता है, जिसके अंदर डिफाइंड होता है आपकी WLC की आईपी एड्रेस, तो वो वहां से उठा लेगा। तो जी कई सारे तरीके होते हैं, यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी ना किसी तरीके को यूज करके वो WLC को डिस्कवर कर लेगा जी। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, किसी एक को सिलेक्ट, क्योंकि हमने बोला था कि वो सिर्फ एक से ही नहीं जुड़ता, मल्टीपल लाइव कैंडिडेट से वो जुड़ सकता है, ठीक है, तो उसकी लिस्ट बना लेता कि आसपास मेरे इंफ्रा में जितने भी WLCs मौजूद हैं, ठीक है, फिर एक सेपरेट प्रोसेस शुरू करता है एक को सेलेक्ट करके उससे जुड़ने के लिए, तो वो अब ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज रहा है, अब की बार डिस्कवर रिक्वेस्ट नहीं है, देखो अलग अलग है वो,
चलिए, फिर इसके बीच में DTLS मैंने बोला था, बाय डिफॉल्ट आपके जो कंट्रोल मैसेज हैं वो तो क्या होते हैं, इनक्रिप्टेड, तो टनल के अंदर 5246 वाले के अंदर वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े, प्री कॉन्फिगर्ड WLC, ठीक है, ये मैंने बता दिया था, मास्टर WLC मैंने बता दिया था, और या फिर लीस्ट लोडेड, एक AP के अंदर मान लो 6,000, सॉरी एक WLC के अंदर 6,000 APs को मेंटेन करने या मैनेज करने की क्या बोलते हैं पावर है, तो जिस भी WLC के पास सबसे कम AP का लोड होगा, नया ऑन हुआ AP उसी से जाके जुड़ जाएगा। तो ये एक एक मेथड ये भी होता है कि आप एग्जिस्टिंग तीन चार या दो तीन कंट्रोलर में से किसको चुनो, तो लोड के बेस पर भी चुन सकते हो। और दूसरा, अगर आप चाहते हो कि यार नहीं, आप किसी एक पर्टिकुलर AP को प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो कि चाहे लोड था, मान लो एक WLC ने 1,000 को मेंटेन कर सकता था, 1,000 की लिमिट थी, इतना ही लाइसेंस का आपने इतनी ही मेंटेनेंस का लाइसेंस आपने खरीद के इंस्टॉल कर रखा था, अब 1,000 के 1,000 हो गए, अब और आगे तो ये रिजेक्ट कर देगा, इससे जुड़ेगा ही नहीं आपका नया AP 1,001 नंबर वाला। पर इनमें बाय डिफॉल्ट लो प्रायोरिटी सेट होती है, आपने जो नया नेक्स्ट है 1,001 वाला उसकी प्रायोरिटी कर दी हाई, अब ये क्या करेगा, जो लास्ट वाला लो प्रायोरिटी का IP था उसको हटा के इसको रजिस्टर करवा देगा। तो कई सारी चीजें होती है, तो बहुत बेहतरीन एक आर्किटेक्चर है और मैकेनिज्म होते हैं, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहां तक हो गया अपना सेलेक्टिंग WLC का काम। कहाँ चले गए हम, मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड ने काम करना छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा, वापस आ गए, मेंटेनिंग WLC अवेलेबिलिटी, तो ये आप पढ़ेंगे, आपको इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, तो इजीली आप समझ जाओगे कि जिस भी कंट्रोलर से आप जुड़े हो, हेलोज के थ्रू आप उससे जुड़े रहें, और अगर लगता है कि इन केस अगर वो ऑपरेशनल नहीं है, तो यू शुड बी कनेक्टेड टू द नेक्स्ट, और टाइमर हमारा 30 सेकेंड है यहाँ पे लिखा हुआ, जो मैंने बोला था कि यहाँ पता नहीं कितना है, नोट्स में मिलेगा। चलिए जी, ठीक है, और ये डिफॉल्ट टाइमर है, आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, अगर आप बहुत जल्दी पता करना चाहते हो, और आपका जो डाउन टाइम है या फिर जो यूजर्स हैं वो कम से कम वेट करना पड़े उनको अगेन कनेक्ट होने के लिए, तो यू कैन प्ले अराउंड विद दीज क्या बोलते हैं टाइमर्स, ठीक है। और एक ये भी हमने स्विचिंग के अंदर किया था कि किसमें, मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है, हमारा स्टैक वाइज और SSO और ये सब दो तीन जगह डिस्कस किया मैंने CCNP में, तो ये भी आप कर सकते हो कि भाई एक WLC है, प्राइमरी आपका है जो सारा लोड ये लेगा, इसके हाई अवेलेबिलिटी में मतलब इसके बैकअप के लिए हमने एक और WLC लगा दिया सेकंड, जो मेरा एक्टिव ये हो गया, प्राइमरी को एक्टिव बोलते हैं, इसको स्टैंड बाय बोलते हैं, जैसे FHRP में होता है ना, HSRP VRRP वगैरह में, तो सारे AP इससे जुड़े रहेंगे, इसके साथ अपनी सेटिंग्स स्टेट्स वगैरह शेयर करेंगे, और यही मेंटेन कर रहा है उनको, सारी RF की पावर की जितनी भी मेंटेनेंस है यही कर रहा है चैनल की, पर ये अपने स्टेट इनको भी बताता रहेगा सारे के सारे, भाई मेरे साथ कौन से AP कनेक्टेड है, किसकी क्या अभी वो चल रही है स्टेट, तो इन केस अगर इसको कभी कुछ भी होता है तो बिल्कुल स्मूथली ये सारे यहाँ आ जाएंगे, बस कुछ भी नहीं आपको पता चले, ठीक है। तो एक ये भी आप कर सकते हो। दूसरा जी, फिर और इसके अंदर कुछ ऐसा, ठीक है, यही बातें हमने की है। सिस्को AP मोड, अगेन आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग स्पेशल हियर, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पहले और CCNA की प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, आई गेस इस वीडियो में काफी हो गया, अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम एंटीना टाइप्स और गेन्स एंड जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी एंटीना की उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, तो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।